मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सीएम हेल्पलाइन को आम जन के समस्याओं के निराकरण के लिए बनाया गया है, जिससे जनता अपनी समस्याओं का निराकरण आसानी से करवा सके। लेकिन ग्राम पंचायत बरूड़ की सीएम हेल्पलाइन बस मजाक बनकर रह गई है। सीएम हेल्पलाइन की शिकायत का निराकरण करने की बजाय जनपद से आए कर्मचारी बिना जांच किए शिकायत निराकरण पर गलत जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं और शिकायतकर्ता को शिकायत बंद करवाने को लेकर दबाव बना रहे हैं। यह मामला है ग्राम पंचायत बरूड़ का, जहां कोली मोहल्ले के रहवासियों ने अपनी समस्याओं को लेकर सीएम हेल्पलाइन पर नाली के गंदे पानी का घरों में घुसने को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ताओं द्वारा शिकायत दर्ज कराए एक माह लगभग हो गया है। रहवासियों ने शिकायत में नाली का गंदा पानी रहवासियों के घरों में जाने से, डेंगू मच्छरों होने वाली नाली के पानी से बदबू एवं सड़कों पर गंदा पानी फैलने की शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन ग्राम पंचायत बरूड़ द्वारा शिकायत का कोई निराकरण नहीं किया जा रहा। सड़क पर पानी फैलने से बाइक चालकों के साथ बाइक फिसलने के हादसे भी हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार सरपंच सचिव गाँव का विकास करने के बजाय कुंभकरण की नींद सोए हैं। रहवासियों द्वारा मांग की है कि जल्द से जल्द आम जन की समस्याओं का निराकरण किया जाए। बरूड़ से रामेश्वर कुमरावत की रिपोर्ट। नाली को लेकर क्या समस्या उत्पन्न हो रही है आपको? ये नाली को लेकर ये समस्या हो रही है कि यहाँ पे पानी बहुत सारा एकत्रित इकट्ठा हो रहा है और निकासी की कोई जगह नहीं इसकी, और पंचायत में हम कई बार गए हैं, कई बार शिकायत की है, लेकिन इसकी कोई वो नहीं कर रहे, वो आते भी नहीं और देखते भी नहीं है इसको। और सीएम हेल्पलाइन पे भी इसकी सूचना करी है, लेकिन वो भी कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और हम चाहते हैं कि ये नाली का मतलब निकासी हो जाए। बच्चे हैं, छोटे छोटे निकलते हैं, गड्ढा पूरा पानी से भरा हुआ है, बच्चे गिर कर जाते हैं और बीमारियों फैलती है गंदे पानी एकत्रित होने की वजह से। मेरा नाम रिंकू कुमरावत है। नाली को लेकर समस्या ये 4 महीने से चल रही है। पंचायत पे 2-3 बार आवेदन भी दिया हमने, पर पंचायत वाले बोल रहे हैं कि अभी हमारा ये हमारे हाथ में कार्यकाल नहीं है, तो आप आपके हिसाब से देख लीजिए। मैंने 181 पे कॉल करा था और मंत्री इनका फ़ोन भी आया था कि अभी शिकायत बंद करवा दीजिए। शिकायत बंद करवाने के बाद एक बार बंद करवा दी थी मैंने और उन्होंने कार्य करा नहीं, फिर मैंने डबल से शिकायत करी और बोल रहे हैं कि अभी शिकायत बंद करवा दीजिए, हम जैसा भी हमारे पास पैसा आएगा करवाएंगे। और यहाँ पे 2-3 बार गाड़ी वालों का हादसा भी हो चुका है और पूरा पानी नाली का अंदर घर के अंदर जो था कीड़े और ये आते हैं सभी। क्या नाम है आपका? लोकेश कुमरावत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।